आज मैं आपके लिए लाई हूँ मेथी मटर मलाई बनाने का सबसे आसान तरीका, जिसे आप घर पर ना झटपट से बना सकते हैं, वो भी रेस्टोरेंट वाले टेस्ट का। तो बिल्कुल इजी मेथड से इस मटर मलाई को बनाना शुरू करेंगे। तो मेथी मटर मलाई बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए, बस नॉर्मली कुछ इंग्रेडिएंट्स से हम इतनी परफेक्ट सी मटर मलाई तैयार कर लेंगे। तो चलिए, बिल्कुल इजी रेसिपी है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, कढ़ाई में डालेंगे घी। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में तेज़पत्ता, दालचीनी, एक बड़ी इलायची और तीन छोटी इलायची मैंने ली है। इसी के साथ 1 टीस्पून जीरा लिया है। जीरे के चटकने के बाद इसमें हम डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज, बारीक कटे हुए। तो प्याज को हम लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए ना भून लेंगे, ताकि इनका कलर जो है हल्का सा चेंज हो जाए। तो प्याज भून चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। इसी के साथ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। बस हमें इतने ही मसाले चाहिए, नॉर्मली जैसे हम सब्जी बनाते हैं ना, बस वही मसाले चाहिए। तो कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे हम मसालों को। और अगर आपको लगता है मसाला चिपक रहा है, तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। तो पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो मसाले अच्छे से नहीं पक पाएंगे। तो मसाले भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी। तो प्यूरी डाल करके बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला दें। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो इस स्टेज पर मैंने फ्लेम जो है मीडियम रखी है, मीडियम फ्लेम पर ही हम इस प्यूरी को पका लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट सी जो प्यूरी है हमारी मिक्स हो चुकी है मसालों में। तो इसको हम ढक देंगे 1 से 1.5 मिनट, ताकि जो प्यूरी है हमारी बिल्कुल अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए, हमारा मसाला जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। तो अब हम डालेंगे ना यहाँ पर मटर। तो मटर को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से उबाल लिया है। तो उबाल करके मैंने इसलिए रखा था, ताकि ये जो रेसिपी है ना बिल्कुल झटपट से तैयार हो जाए। तो आप भी जब भी मटर मलाई बनाए ना, तो ये जो मटर है आप पहले से उबाल करके रखिए, तो बिल्कुल झटपट से बन जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं ग्रेवी में डाल दूंगी पानी। तो पानी मैंने यहाँ पर गर्म करके डाला है ग्रेवी में। तो जितनी ग्रेवी आपकी कंसिस्टेंसी, आपको कैसी चाहिए, उस हिसाब से आप जो है पानी डाल लीजिए। तो अब हम इसको ढक देंगे। वैसे तो हमारे मटर पके हुए हैं, बट तब भी मैं इसको 1 से 2 मिनट रख रही हूँ। तो ये देखिए, जो ग्रेवी है उसमें उबाल आ चुका है। तो इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे मेथी। तो मेथी को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से धुल करके कट किया है, या कट करके धुल लिया है, कुछ भी कहें आप। तो अब क्या करें, अब इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी मेथी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रेवी में मिक्स हो चुकी है। तो मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ढक करके मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट पकने देंगे। तो 15 मिनट बाद अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ग्रेवी में कितना अच्छा उबाल आ चुका है। तो मटर तो हमारे पहले से ही पके हुए थे, और जो मेथी है वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से पक करके मिक्स हो चुकी है। तो ये हमारी मेथी मटर तो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे मलाई, ताकि ये मेथी मटर मलाई बन जाए। तो अब हम क्या करेंगे ना, गैस फ्लेम बंद कर देंगे, हल्का सा इसका टेम्परेचर ठंडा होने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मलाई। तो ये 1 कप के करीबन मलाई होगी। इसके अलावा अगर आपके पास घर में मलाई नहीं है, तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मलाई को मिक्स करने के बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पर हल्का सा इस तरीके से पका लेंगे। तो बस ये हमारी मेथी मटर मलाई जो है बिल्कुल तैयार है। देखिए, दिखने में ही एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लग रही है, तो खाने में तो और ही परफेक्ट है। तो बिल्कुल इजी रेसिपी है। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।